हाँ, मुझे पता है कि वीडियो डालने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, वैसे सच्ची में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। खैर, आज से मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक वीडियो डाली जाए, और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें तब तो मैं ज़रूर और भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो याद से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। तो पिछले वीडियो में आप सभी ने काफ़ी प्यार दिखाया था, जिसमें मुझे 20 लाइक्स मिले थे, तो मैं ऐसे ही प्यार की उम्मीद रखता हूँ इस वाले वीडियो में। मैं जानता हूँ कि आप सभी ये टारगेट पूरा कर सकते हो, और अगर इस वीडियो की टारगेट बढ़ा दी जाए, 20 से 50 लाइक्स कर दी जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना फेस रिवील कर लूं, और मैं जानता हूं कि आप ये भी कर सकते हो, तो मुझे निराश मत करना और जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। मुझे लगता था कि मिस्टीरियस और सस्पेंस भरे मूवी बस हॉलीवुड वाले ही बना सकते हैं, और ऐसी स्टोरी शायद ही बॉलीवुड ला सकती है, पर मैं गलत था, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2012 में रिलीज हुई मूवी कहानी को। तो अगर मैं इंट्रो में ही कुछ बता दूं तो ये शायद स्पॉइलर हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता, पर मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो हेडफोन लगाकर जरूर देखें, क्योंकि आपसे अगर कुछ भी मिस होता है या कैरेक्टर्स के नाम भी मिस होते हैं तो आप शायद इस मूवी एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने हेडफोन्स पहन लिए होंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी मास्क पहने हुए चूहों पर एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा होता है, और उस गैस को सूंघने के बाद वो चूहे वहीं पर मर जाते हैं। और अगले ही सीन में हमें मेट्रो को दिखाया जाता है, जहां एक लेडी बैग में एक बोतल से भरे हुए उसी जानलेवा गैस को भरे हुए थी, और वो बोतल बाय मिस्टेक वहीं टूट जाती है, और 100 से अधिक लोगों की मौत वहीं हो जाती है। और वहीं हमें एक आदमी को देखते हैं जिस पर कैमरा फोकस करता है। अब ये कौन था, ये हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। अब 2 साल बीत चुके थे, अब हम प्रेग्नेंट विद्या बालन को एयरपोर्ट से आते हुए देखते हैं, जो लंदन से कोलकाता आती है अपने गुमशुदा हस्बैंड को ढूंढने के लिए। यहाँ से वो सीधे पुलिस स्टेशन चली जाती है अपने रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वो अपने हस्बैंड की सारी जानकारी देती है कि वो कोलकाता किस काम से आए थे, उनका स्किन कलर, साथ ही उसका कद, और साथ ही वो अपने हस्बैंड का पिक्चर भी उन्हें देते हैं। और वहीं एक राणा नाम का पुलिस ऑफिसर था जो अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। विद्या एक कंप्यूटर इंजीनियर थी, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए पूछती है, और वो उनकी कंप्यूटर को ठीक कर देती है। और यहाँ से राणा खुद विद्या को होटल छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि वो काफी परेशान भी थी और साथ ही वो प्रेग्नेंट भी थी। ये वही होटल था जहाँ पे विद्या का हस्बैंड पहले स्टे कर चुका था, पर वहाँ के मैनेजर से पूछने पर वो ये कहता है कि उसके हस्बैंड यहाँ कभी आए ही नहीं थे। वैसे उसके हस्बैंड का नाम अर्णब बख्शी था, पर विद्या काफी कॉन्फिडेंट से कहती है कि वो यहीं रह चुके हैं और वो भी यहीं रहेगी, और ये कहकर वो अपने कमरे की ओर चली जाती है। और जाते ही विद्या काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और रोते रोते विद्या की नाइट ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह उठते ही विद्या देखती है कि वहां पे गर्म पानी नहीं आ रहा था, और वो ये कंप्लेंट लेकर मैनेजर के पास चली जाती है, और मैनेजर ये कहता है कि अगर किसी को गर्म पानी चाहिए तो वो चिंटू को आवाज़ लगाए और वो भाग कर गर्म पानी लेकर आएगा। और यहाँ से विद्या का थोड़ा थोड़ा मूड चेंज होते हुए देख सकते थे। अब कुछ देर बाद विद्या वहाँ आ जाती है जहाँ उनका हस्बैंड यानी अर्णव बख्शी काम करने आया था, पर वहाँ भी विद्या को कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि उसका हस्बैंड वहाँ काम करने आया ही नहीं था। पर विद्या वहाँ अपने हस्बैंड की फ़ोटो वहीं छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से राणा विद्या को उसी मेट्रो में हुए एक्सीडेंट में मरे लाशों के पास ले जाती है, क्योंकि वहाँ एक बॉडी थी जिसकी पहचान नहीं हुई थी, पर उस लाश को देखकर विद्या मना कर देती है और कहती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं हो सकता। और इधर हमें उसी मैनेजर को दिखाया जाता है जहाँ विद्या पहले आई थी। उस फोटो को देखकर उसे कुछ याद आता है और वो मिलन दामजी के नाम से अपने ऑफिस में सर्च करने लगती है, पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता। और इधर विद्या अपने हस्बैंड के खोज में अर्णब के स्कूल आती है कि शायद वहाँ से कोई जानकारी उन टीचर को द्वारा निकल पाए, पर वहाँ भी उन्हें कुछ भी न्यूज़ नहीं मिलता। आप शायद ध्यान दे रहे होंगे कि इन लोगों ने जितने लोगों के पास भी पूछा है सभी इन्हें मना ही कर रहे हैं, कोई भी उनके बारे में जानता तक नहीं है, जबकि वो इधर ही के थे। खैर, रात को वही मैनेजर विद्या को कॉल करती है और उसे नेक्स्ट दिन एक होटल में आकर एक न्यूज़ देने की बात करती है, और वहाँ जाकर इस बात का खुलासा होता है कि मिलन दामजी नाम का एक एम्प्लॉय वहीं उन्हीं के कंपनी में काम करता था, जिसकी शक्ल पूरी तरह विद्या के हस्बैंड से मिलती थी, पर उसने 2 महीने ही काम किया था और काम छोड़ दिया था, और काम छोड़ने के बाद बहुत सारे आदमी उन्हें ढूंढते हुए इनके कंपनी में आए थे। उसकी फोटो इस लेडी के पास तो नहीं थी, पर उनके पुराने ऑफिस में इनकी सारी जानकारी मिल सकती थी। और दूसरी तरफ हम बॉब नामक शख्स को देखते हैं जो एक इंश्योरेंस एम्प्लॉय था, और तभी
उसे एक MMS आता है। ये MMS उसी लेडी की थी और शाम होते ही हम देखते हैं कि बॉब उन्हीं के घर आ चुका था। वो शक्ल से काफी शरीफ दिखता था पर मौका देखते ही वो उस लेडी को शूट कर देता है। देख रहे हो, काम करता है लाइफ इंश्योरेंस का और पार्ट टाइम जॉब है सीरियल किलर का, मतलब इंश्योरेंस भी दिलाओ और मार भी डालो। अब यहाँ से हमें खान सर को दिखाया जाता है जो विद्या के खोज में लग चुके थे क्योंकि उसका हस्बैंड का शक्ल पूरी तरह से मिलन दामजी नामक शख्स से मिलता था। वो अपने ऑफिस से सीधे पुलिस स्टेशन आता है और विद्या को बुलाने का ऑर्डर देता है। खान सर एक तरह के सीनियर एजेंट थे तो सभी पुलिस वाले उनकी बात मानते हैं, पर वो थोड़े खड़ूस किस्म के भी इंसान थे। खान सर विद्या को एक कहानी सुनाते हैं कि यहाँ कोई मिलन नाम का इंसान है ही नहीं और अगर उसे अपने हस्बैंड को ढूंढना है तो वो उनका साथ देंगे, पर विद्या यहाँ से उन्हें मना कर देती है। और यहाँ से राणा और विद्या साथ में उसी पुराने ऑफिस में जाते हैं मिलन दामजी के बारे में पता करने, पर वहाँ के सीनियर उसे ये सब करने से मना कर देते हैं। पर अब खान सर को भी ये बात पता चल चुकी थी कि राणा मिलन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे नौकरी की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से हम एक बार फिर बॉब को देखते हैं जिसे इस बार एक फाइल लाने का काम सौंपा जाता है और ये फाइल उसी मिलन दामजी नाम के शख्स की ही थी जिसे विद्या और राणा भी मिलकर खोज रहे थे। अब ये सब इन्फॉर्मेशन बॉब को कौन दे रहा था ये मैं आगे बताता हूँ। अब इधर विद्या और राणा वहाँ पहुँच चुके थे और अब पुलिस चोरी करने वाला था। अंदर थोड़ी खोजबीन करने के बाद उन्हें वो फाइल मिल जाती है जिसकी फोटो पूरी तरह से विद्या के हस्बैंड से मिल रही थी। ये काफ़ी शॉकिंग बात थी और बॉब भी वहीं था, पर विद्या और राणा वहाँ से चोरी छिपे निकल चुके थे और बॉब भी खाली हाथ वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह विद्या खान सर से काफ़ी गुस्से से उसी फाइल को दिखाकर पूछती है कि ये मिलन दामची नाम का शख्स है कौन, पर खान सर विद्या को मिलन दामची के बारे में भूल जाने को कहते हैं। पर विद्या को लगता है अगर मिलन दामची का चेहरा उसके हस्बैंड से मिलता है तो शायद यही कारण होगा कि उसका हस्बैंड गायब है। अब यहाँ से सारी सच्चाई सामने आती है। मिलन दामजी वही इंसान था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था जो जानलेवा गैस इन्वेंशन कर रहा था और उसी के कारण 100 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। और ये सुनकर विद्या उसी मेट्रो स्टेशन में जाती है जहाँ ये हादसा हुआ था और वहीं बॉब भी पहुँच चुका था और वो विद्या को डरा कर वार्निंग देता है कि अब उसे वापस लंदन चले जाना चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन यही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये विद्या की इन्वेस्टिगेशन आखिरी होगी। और विद्या बॉब से डर कर वहाँ से भाग निकलती है, पर विद्या हार नहीं मानती। अब विद्या और राणा मिलकर मिलन दामजी के घर जाने का प्लान बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मिलन दामजी का एड्रेस इन लोग के पास आया कहाँ से। ये एड्रेस उसी फाइल में था जिसे इन्होंने ढूंढा था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि ये घर काफ़ी दिनों से बंद था और वहीं चाय के खाली ग्लास भी फेंके हुए थे, यानी मिलन वहाँ कहीं से तो चाय मंगाता ही होगा। और ध्यान से देखें तो वहाँ दो चाय के कप थे, यानी मिलन के अलावा भी वहाँ कोई आता था। उस घर के कुछ दूरी में ही एक चाय का स्टॉल था। वहाँ के एक बच्चे से पता चलता है कि वहाँ मिलन के घर में वो चाय पहुँचाने का काम करता था। विद्या बच्चों से काफ़ी प्यार से बात करती थी जिससे वो बच्चा भी सारी बात बता देता है कि वहाँ एक आदमी हर रोज़ आता था एक काले ब्रीफकेस के साथ। अब यहाँ उन्हें पता चलता है कि मिलन का ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर था और अब विद्या और राणा वहीं के एक ब्लड बैंक में जाते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि कुछ साल पहले एक आदमी वहाँ आया था जिसे गोली लगी थी, जिसे अर्जेंट ये ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चाहिए था, पर यह ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर था तो उन्हें यहाँ पर ब्लड नहीं मिल पाया था। और उसी वक्त राणा को एक खबरी के बारे में याद आती है जो वहीं एक मूर्तिकारक था। वो उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ कुछ साल पहले दो लोगों की लाश मिली थी, वो भी एक शूटआउट में। पर उसे शक था कि वहाँ दो के अलावा एक और इंसान था जिसे गोली लगी थी, पर वो बच गया था। ये कांड और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था। आई होप आप सभी को समझ तो आ रही होगा। और दूसरी तरफ बॉब को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था और ये कॉन्ट्रैक्ट उसी डॉक्टर का था जो विद्या का हेल्प कर रहा था ब्लड ग्रुप का सैंपल देकर, पर वो सैंपल भी विद्या को नहीं दे पाता और बॉब उसे उसकी कार में ही मार डालता है। और दूसरी सुबह विद्या और राणा उसी चाय वाले बच्चे को अपने साथ उसी ऑफिस में ले जाते हैं जहां अर्नब बख्शी काम से आया था और वहीं वो काले ब्रीफकेस वाला आदमी भी दिख जाता है जिसे वो बच्चा इशारा करने लगता है, पर वो आदमी उसे देख लेता है और अजीब सी घबराहट उस आदमी के चेहरे में आ जाती है जिसे हम साफ साफ देख सकते थे। तो अब मैं आप सभी को एक राज की बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
तो ये आदमी मेन गुंडा है जो बॉब को सारे किल्स करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और साथ ही मिलन दामची को सेफ रखने का काम कर रहा था और सारे सबूतों के फाइल्स उसके कंप्यूटर में ही थे। और अब वो आदमी बॉब को विद्या को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और यहाँ से विद्या उस बच्चे को छोड़ने अकेले ही चली जाती है। और वहाँ से लौटते वक्त हम देखते हैं कि बॉब विद्या के पीछे पड़ चुका था, वो भी गन के साथ। और वक्त रहते राणा भी वहीं आ जाता है, जिससे बॉब का ध्यान भटक जाता है और गोली किसी और को लग जाती है। और विद्या राणा को बता देती है कि ये वही सीरियल किलर है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। और अब राणा उसके पीछे भागने लगता है और भाग दौड़ में बॉब एक गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी इमीडिएट मौत वहीं हो जाती है। और राणा उसका फ़ोन वहां से उठा लेता है और उसके फ़ोन में देखने पर यह पता चलता है कि सभी की मौत उसी ने की थी और बॉब ये सारे काम उसी ब्रीफकेस वाले आदमी के कहने पर कर रहा था। तो रात होते ही विद्या और राणा उसी ऑफिस में आ जाते हैं जहां वो आदमी काम करता था। विद्या वहां के रिसेप्शनिस्ट को भी अपने साथ कर लेती है, जिससे वो भी उसका साथ देती है। और जब वो आदमी घर के लिए निकल जाता है तब वो अंदर आते हैं और विद्या उसके कंप्यूटर को हैक कर लेती है और हैक करके सारी डाटा अपने पेन ड्राइव में डाल लेती है, जिससे वो अलर्ट सिस्टम उसी आदमी के पास आ जाती है और वो वहां से एक गन लेकर वापस ऑफिस की तरफ भागता है। पर काफ़ी देर हो चुकी थी, विद्या और राणा वहां के पीछे वाले गेट से निकल चुके थे। और जब विद्या और राणा वहां से मार्केट पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वो इंसान उन्हीं के पीछे पड़ चुका था। और राणा यहां खान सर को कॉल कर देता है। अब यहां पर राणा खान सर को कॉल क्यों करता है ये तो आप सोच ही रहे होंगे, अच्छा आगे चल के बताता हूँ मैं। राणा उस आदमी से लड़ने लगता है जिससे गन नीचे गिर जाती है। अब वो गन विद्या उठा लेती है और इधर खान सर भी पहुँच चुके थे। पर जैसे ही खान सर उनके पास दौड़कर आते हैं तब विद्या काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और डर के मारे उसे गन की गोली चल जाती है, जिससे वो आदमी को शूट कर देती है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। और खान सर गुस्से में आकर और चिड़चिड़ाहट से सारी सच्चाई भोंक देते हैं कि राणा उसी का आदमी है, राणा उसके लिए ही काम करता था। ये दोनों मिलकर विद्या का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो उस आदमी को जिंदा पकड़ सकें। पर विद्या इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अपने हस्बैंड के लिए इतना कुछ कर रही है, पर उसे ऐसा उम्मीद भी नहीं था कि राणा उसके साथ ऐसा करेगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। और अब तो वो राणा से भी बात नहीं कर रही थी। मैं यहाँ आप सभी को ये क्लियर कर दूँ कि इन्होंने विद्या का ही क्यों इस्तेमाल किया था। पहली बात ये कि विद्या तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिससे कोई भी शक नहीं कर सकता था, और विद्या के पास एक और कारण था जिससे वो मना नहीं कर पाती। और नेक्स्ट मॉर्निंग विद्या को मिलन का कॉल आता है जो कहता है कि अगर उसे उसका पति जिंदा चाहिए तो वो अकेले ही ट्रायंगुलर पार्क में मुझसे भेंट करे। और वो ये बात राणा को ही बताती है। पर उसी दिन मूर्ति बनाने वाला चाचा राणा को ये बताते हैं कि वो विद्या को अकेले ना भेजे क्योंकि अभी तक मिलन ने जिनको भी अकेले में बुलाया है सभी को मार डाला है, तो शायद वो विद्या के साथ भी यही करेगा। वो ये बात खान सर के साथ भी शेयर करता है पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खान सर को भी पता था कि वो विद्या को मार डालेगा। और अगर उसकी नज़र से बात करूं तो उसकी बात ये रहेगी कि किसी एक दो की भी कुर्बानी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बस मिलन दामची जिंदा चाहिए था। पर राणा को ये बात सही नहीं लग रही थी और खान सर बाकी ऑफिसर्स को ऑर्डर दे देते कि राणा पर नजर रखे और वो विद्या के पास जाकर सारी सच्चाई ना बता सके। और इधर विद्या वही साड़ी पहनती है जिसे उसका पति उसे देखना चाहता था, पर वो रोने लगती है, पता नहीं क्यों, शायद आगे पता चले। और दूसरी तरफ मौका देखकर राणा भी निकल जाता है। पहले तो विद्या काफी घबरा जाती है वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि मिलन वहीं है। जब विद्या की नजर मिलन दामची पर पड़ती है तब वो अकेले में एक गली की तरफ चले जाते हैं और वहां मिलन दामची गुस्से में आकर विद्या के पेट में एक जोरदार लात मारता है जिससे वो घुटने में गिर जाती है। और मिलन दामची जैसे ही गन चलाने वाला ही होता है कि तभी विद्या अपने पेट में लगे फेक प्रेग्नेंट टमी को निकाल कर उसके गन में एम करती है, जिससे उसका गन नीचे गिर जाता है और अपने पिन से उसके पैर पर वार करके उसे जख्मी कर देती है। और काफी गुस्से भरे नजरों के साथ वो मिलन को वहीं मार डालती है। और इधर से राणा भी आ जाता है और खान सर को देखकर विद्या भाग जाती है। और यहाँ इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, रियलिटी में विद्या प्रेग्नेंट नहीं थी, बस वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी ताकि सभी, मेरा मतलब सभी, उसे इनोसेंट समझें, यहाँ तक कि राणा और खान सर भी। असलियत में उसका पति अर्णव नाम का था ही नहीं, जिसकी शक्ल
मिलन दामजी से मिलती हो। उसकी पति की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी उस मेट्रो ट्रेन में जिसे हमने शुरू में देखा था, जिस पर कैमरा फोकस करता है। उसी का बदला लेने के लिए विद्या 2 साल बाद यहाँ वापस आई थी, जहाँ खान सर और राणा जैसे इंसान सोच रहे थे कि उन्होंने विद्या का इस्तेमाल किया, पर पासा उल्टा पड़ गया। रियलिटी में तो ये था कि विद्या इनका इस्तेमाल कर रही थी और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बताओ दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि तुम्हारे दोस्त लोग को भी पता चले कि ऐसी सस्पेंस मूवी बॉलीवुड वाले भी बना सकते हैं। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर कहानी पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।